अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज के दिन में हमने पढ़ना है आर्टिकल का टॉपिक, तो देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या। सबसे पहले, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन। आर्टिकल एक ऐसा हमारे पास एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को, ठीक है। मॉडिफाइड या डिस्क्राइब करना मतलब इंफॉर्मेशन में इजाफा करना। इट इज़ यूज बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। अच्छा देखो, हमें पता है ये बात कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, अनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, तो ये हमारे पास नाउन से पहले यूज़ होता है, एज अ प्री मॉडिफायर काम करता है। पोस्ट मॉडिफायर होता है हमारे पास जो नाउन के बाद आता है, एंड प्री मॉडिफायर जो पहले आता है। तो ये प्री मॉडिफायर के तौर पर काम करता है और बताता है कि जो चीज़ है वो स्पेसिफिक है या नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम दा यूज़ करेंगे तो चीज़ होगी स्पेसिफिक, एंड अगर हम आई एन यूज़ करेंगे तो वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड दे आर डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल दा। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, आर्टिकल, व्हाट इज़ एन आर्टिकल? बेसिकली एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव, लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स, ठीक है। अब ये सारी सुनने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बताओ जी आर्टिकल क्या होता है, नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ये इस तरीके से नहीं आएगा, तो जस्ट ये सुनने वाली बातें हैं, तो ये आपने बस सुन लेनी है, ठीक है। आर्टिकल, इंग्लिश हैज़ टू आर्टिकल्स, द एंड आयन, ओके। अब ये बात यहाँ पर अच्छा, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट उठाने वाली बात है कि द आपने यूज़ करना है स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नाउन्स के साथ, जबकि आ और एन यूज़ करना है नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन पर्टिकुलर नाउन, मतलब जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज़ ऑब्वियसली अ कॉमन थिंग। तो जब भी कॉमन चीज़ है तो डज नॉट नीड टू यूज़ द विद इट, हम इसके साथ आई एन बी यूज़ करके काम चला, बल्कि आई या एन ही यूज़ करना है, ठीक है। वी कॉल द द डेफिनेट आर्टिकल एंड आई एन द इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है कि स्पेसिफिक चीज़ होगी तो द यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, स्पेसिफिक चीज़ नहीं होगी तो देन फिर हम लोग आ और एन यूज़ करेंगे। अच्छा, रूल्स की बात करते हैं कि अब आ और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है और द का इस्तेमाल कहाँ करना है। पहले तो हम बात करते हैं आ और एन के रूल्स के बारे में। वी हैव 12 रूल्स कि कहाँ पर आ या एन यूज़ किए जा सकते हैं, उनके लिए पहले हमने 12 रूल्स पढ़ने हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है? आ मस्ट बी यूज बिफोर द वर्ड विच बिगिन विद अ वॉल साउंड, विद अ वॉल सिंबल प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड एज वाई और अ डब्ल्यू लाइक साउंड, फॉर एग्जांपल यूरो, यूनिसाइकिल, अ यूनिवर्सिटी, ठीक। अब देखो, मेरी एक बात पहले ध्यान से समझ लो कि वॉवल का होना ज़रूरी नहीं है, वॉवल साउंड का होना ज़रूरी है। अब तक की क्लासेस में अगर किसी ने एम डी कैट में पढ़ लिया तो वो तो अलग चीज़ है, या वैसे पता नहीं, लेकिन जर्नली स्पीकिंग स्कूल में हम लोगों को, इवन कॉलेजेस में भी हम लोगों को यही बताते हैं कि बेटा जहाँ पर वॉवल आएगा वो आपका एन बन जाएगा, बस चुप करके एन लगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, यू हैव टू गो विद द वॉवल साउंड, नॉट विद द वॉवल अल्फ़ाबेट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं कि बेशक आपका यहाँ पर देखो ना, ये वॉवल है, ये यूनी, ये वॉवल है, ये यूनिवर्सिटी, ये वॉवल है, लेकिन अनलेस आपका जो साउंड है वो वॉवल वाला नहीं बन रहा, ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, आ यूज़ करना है, एन नहीं यूज़ करना। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने ए, आ इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद अ वॉवल सिंबल प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड इज़ वाई और डब्ल्यू लाइक साउंड। समझ आ गई, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वॉवल की साउंड होना ज़रूरी है, तब आप वहाँ पर एन लगा दो, कि अदरवाइज चुप करके आ लगा दो, ओके। समटाइम्स एन इज़ फाउंड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर विद द लेटर एच। अब यहाँ पर क्या कहते हैं जनाब कि एच से चीज़ स्टार्ट हो रही है लेकिन आप उसके पीछे एन लगा रहे हो, जबकि एच तो कॉन्सोनेंट है, इट्स नॉट अ वॉवल। लेकिन हमने क्या बात पढ़ी कि वॉवल की साउंड होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि वॉवल की साउंड आ रही है। एन ओवर, 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 व्हाट्स ओवर? ओवर इज ओ, ओ इज एन ओवल, ओके, आगे चलते हैं। एन ऑनर, ओके, अगेन ओ। सो यस, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, तो ये दोनों हमारे पास वॉवल्स हैं। इट मीन्स कि ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एन एन यूज़ करना के। वेट, आगे चलते हैं। वी यूज़ एन
बिफोर एब्रीविएशंस दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड. अब देखो जो हमारे पास एब्रीविएशंस होती हैं, MBBS हो गया, MA हो गया, MPhil हो गया, MSc, कोई भी. अगर हम देखें MA, व्हाट्स M, M को अगर मैं देखूँ ना, देखो ये बेसिकली हमारे पास M की साउंड होती है. तो क्वेश्चन ये है कि ये जो A है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ वॉवल, तो वॉवल साउंड पे हमने जाना है. तो इसीलिए आपने यूज़ करना है कि एन एम ए, एम एस सी में भी एन एम एस सी, एम बी बी एस में भी एन एम बी बी एस. अब क्वेश्चन मेरा आ जाता है बी एस सी, आ बी एस सी होगा या एन बी एस सी होगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है. ओके, ये क्वेश्चन आप तो आप लोगों तक रहा. आगे चलते हैं. आ और एन मस्ट बी यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. ओके, दैट्स अ वेरी ईजी रूल. देखो जो भी चीज़ हमारे पास सिंगुलर में आ जाती है उसके पीछे आ और एन चुप करके लगा दो. डिपेंड करता है ना कि वॉवल साउंड है या नहीं है, लेकिन सिंगुलर चीज़ के पीछे कभी भी आपने सिंगुलर चीज़ के पीछे आपने आ और एन का ही इस्तेमाल करना होता है. ठीक है, आ और एन मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस. ओके, जब भी आपके पास प्रोफेशंस की बात कर रहे हों उससे पहले आपने आ और एन का इस्तेमाल करना है. जैसे आ डायरेक्टर, एन एडिटर, आ टीचर, आ डॉक्टर, आ पायलट, एन इंजीनियर, तो उसके पीछे आपने आ या एन यूज़ करना है. एंड यू मीन अ टिपिकल एग्जांपल यूज़ आर एन. ओके, अब अगर मैं एक टिपिकल एग्जांपल की बात कर रही हूँ तो उसके पीछे मैंने, अगर एक नॉर्मल कॉमन मतलब दिन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसके पीछे मैंने आ या एन का इस्तेमाल करना है. जैसे अ कैट ड्रिंक्स मिल्क, सिंपल बात है कि एक बिल्ली दूध पीती है, तो इसके पीछे मैंने आ लगा दिया. अब सेवन्थ रूल ये है कि सच प्लस ए या एन प्लस नाउन आर, या सच ए एन प्लस एडजेक्टिव नाउन रेयर. जैसे देखो सच आ पॉलिसी, ठीक है, सच आ लॉन्ग ट्रिप, सच आ ग्रेट टीचर. आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं, क्या कह रहे हैं ये, ये कह रहे हैं कि सच के आगे जब भी आपने एडजेक्टिव या नाउन का इजाफा करें तो बीच में आपने आ या एन लगाना. ये नहीं कहना सच द पॉलिसी, सच द लॉन्ग ट्रिप, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता. ठीक है, जैसे हम नहीं कहते कि दिस वॉज सच अ बिग ब्लंडर, दिस वॉज सच अ ग्रेट मिस्टेक डन बाई यू. तो ये सब चीज़ें देखो ना, सच आ यूज़ किया, सच एन यूज़ करेंगे. तो इस तरह यहाँ पर भी ये है कि सच अ लॉन्ग ट्रिप, पहली वाली बात में क्या है कि पॉलिसी नाउन आ जाता है, दूसरी वाली बात में ये एक एडजेक्टिव आ जाता है, फिर ये सच अ ग्रेट टीचर आ जाता है. तो आई होप ये वाला रूल आपके पास क्लियर हो चुका है. आगे चलते हैं. द फॉलोइंग वर्ड हैज़ एन इनडेफिनिट आर्टिकल सो प्लस एडजेक्टिव प्लस आ एन प्लस नाउन. सो बोरिंग अ बुक, सो ब्यूटिफुल एन एक्ट्रेस. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर. लेकिन याद रखना है कि सो के साथ एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आ या एन आएगा और फिर नाउन आएगा. ठीक, तो बीच में आपने आ या एन का इजाफा करना है. ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ किया सो बोरिंग द बुक, सो ब्यूटीफुल एन एक्ट्रेस, सॉरी सो ब्यूटीफुल द एक्ट्रेस, ये नहीं होगा. सो के बाद जब मैंने यूज़ किया एडजेक्टिव और उसके बाद मैंने आ या एन का इजाफा करना, दैट यू नो डिपेंड्स मेयरली अपॉन द नाउन या एडजेक्टिव जो उसके आगे इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, मतलब बेसिकली नाउन के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कि आपने आ यूज़ करना है या एन यूज़ करना. मैंने आपको तरीका पहले बता दिया वॉवल साउंड पर, मतलब वॉवल साउंड को देख कर, वॉवल अल्फ़ाबेट को नहीं देखना, वॉवल साउंड को देख कर आपने ये चीज़ जज करनी है आ यूज़ करना या एन यूज़ करना. सो ब्यूटीफुल एन एक्ट्रेस. ओके, ये रूल भी क्लियर हो गया, ये रूल भी क्लियर हो गया. ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको जनाब आपने अच्छे से देख लेना, न्यू चीज़ है. अच्छा, फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव इन मीनिंग. फ्यू और लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है. ठीक है, दोनों में देखो कमी की बात हो रही है, कमी की बात हो रही है. तो जब भी हमारे पास कमी की बात हो रही होगी सो हमने क्या करना है, हमने उस केस में, मैंने अच्छा तो नहीं लिखा, दोबारा लिखते हैं. स्टिल नहीं चलेगा, खैर ओके. A few, a little are positive and mean some. देखो few और little दिमाग में बिठा लें इस बात को कि few और little हमारे पास negative words होते हैं, लेकिन a few and a little ये हमारे पास positive meaning होते हैं. और इसका meaning क्या होता है, some का. He is young and have little experience of life. ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब some का, इसका मतलब ये नहीं है. अच्छा देखो,
हमने क्या बातें पढ़ी, फ्यू लिटिल नेगेटिव मीनिंग में आता है, लेकिन आ फ्यू एंड आ लिटिल हमारे पास पॉजिटिव मीनिंग में आता है। तो मैं अभी इसका जो सेंटेंस है इसको मैं दोनों तरीकों से चेंज करूँगी। देखो, ही इज़ यंग एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। प्रोबेबली यहाँ पर इसको कोई कोई जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बंदा नया जॉब में आया है और यंग है, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कम एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी ही इज़ यंग एंड हैज़ आ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर आ का इजाफा कर लूँ तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ सम एक्सपीरियंस, मतलब कि वो पॉजिटिव सेंस में बात आ जाएगी। फिर उसका मतलब क्या आ जाएगा? फिर उसका मतलब आ जाएगा सम के केस, सम की तरह। ओके, आगे चलते हैं। इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जब भी आप वन की बात कर रहे हो, जब आपका जैसे मैं बोलूँ कि ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर आ का क्या मतलब है कि मुझे एक कप चाहिए कॉफ़ी का, मुझे तीन कप नहीं चाहिए, दो कप नहीं चाहिए। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल सेंस में, और आपकी न्यूमेरिकल सेंस वन के लिए जा रही है, सो यू हैव टू गो विद आ। ओके, आ नॉट अ वर्ड वॉज सेड, अच्छा एक भी लफ्ज़ नहीं कहा गया। 12 इंचेस मेक अ फुट, अच्छा देखो ध्यान से ये बात देखो कि 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंचेस के आगे अव्वल बात तो देखो दो चीज़ें हैं, एक बात तो ये है कि इन्होंने आगे इसके आगे मेक यूज़ किया हुआ है, मेक्स नहीं यूज़ किया, इसका मतलब कि ये इसको एज अ मतलब पूरी टर्म डील करें। हम नहीं कहते होते कि देखो यहाँ पर क्या है ना कि 12 इंचेस, तो ये हमारे पास एक वो आ गया ना पेमाइश का एक यूनिट आ गया, मेयरमेंट का यूनिट आ गया, तो उन्होंने इसके आगे मेक लगाया हुआ। क्यों मेक लगाया हुआ? क्योंकि 12 इंचेस है, इंचेस, ठीक, तो 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं, तो 12 इंच यहाँ पर ये ज़्यादा देखो ना, 12 इंच मिलेंगे तो एक फुट बनेगा, तो यहाँ पर मेक है और क्या बनेगा, एक फुट बनेगा, तो इसलिए आ फुट यहाँ पर यूज़ किया उन लोगों ने। ठीक है, मैं ज़रा इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। 12 इंचेस मेक अ फुट, हाँ अब बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। आ या एन वन थिंग और पर्सन, ठीक है, अगेन वही बात है कि अगर आपने एक चीज़ को रेफ़र करना है, वन चीज़ को, तो आपने उसके लिए आई एन इस्तेमाल करना है। शी वर्क्स इन हॉस्पिटल, आई हैव गॉट अ पपी, आई हैव गॉट अ पपी, भी एक पपी आया मेरे पास, तो इसलिए मैंने आ यूज़ किया, एंड शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब सवाल किया है कि यहाँ पर एन हॉस्पिटल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, एच है, और एच हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए जनाब यहाँ पर आपने यहाँ पर वॉवल नहीं यूज़ करना, बल्कि आ यूज़ करना है, एन नहीं यूज़ करना, आ यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर एच है, एच कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा लास्ट रूल देखते हैं, 12th रूल इसका क्या है, कि वी यूज़ आ या एन व्हेन वी से दैट व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और पर्सन इज़। ओके, कोका कोला इज़ अ बेवरेज, क्वेश्चन बनाओ व्हाट इज़ अ बेवरेज, तो इस केस में आपने अगेन आ या एन यूज़ करना है, जब आपके पास व्हाट अ थिंग, जब देखो ना आपने क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट का क्वेश्चन बनेगा, डॉग इज़ अ डोमेस्टिक, डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, व्हाट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो इसके साथ फिर आपने आ यूज़ करना है, क्योंकि व्हाट का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी के रूल्स हम लोग इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला आए प्रैक्टिस में, तो प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क दैट क्वेरी राइट अवे इन द ग्रुप्स। ओके ओके, हाफिज़।